कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तीन अज्ञात बदमाश एक व्यापारी के सेल्समैन को रिवॉल्वर दिखाकर रुपए से भरा बैग छीन कर ले गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की पूरी खंगाल कर जांच पड़ताल में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंडौन सिटी एक फॉर्म फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन टोडा भीम कस्बे में दुकानदारों से कलेक्शन एंड मार्केटिंग का कार्य कर रहा था तो अज्ञात बदमाशों के द्वारा उसकी रेकी की जा रही थी। उसी दौरान जैसे ही वह पीएनबी बैंक के सामने स्थित एक दुकान पर कलेक्शन के लिए रुका तभी पीछे से एक अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात बदमाश उसके समीप आए और उसे रिवॉल्वर दिखाकर डराया जिससे वह भयभीत हो गया और इसी दौरान मौके पर एक बदमाश उसके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीन कर ले गए जिस पर उसने बदमाशों का पीछा किया लेकिन तब तक वे काफी दूर निकल गए। लोगों ने शीघ्र ही दूरभाष के जरिए पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और उक्त घटना को लेकर हिंडौन की फार्म फ्रंटियर डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक द्वारा अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध लूट का मामला दर्ज करवाया गया है।